हमने कई बार बॉलीवुड मूवीज में या फिर न्यूज चैनल्स में ये देखा है कि इनकम टैक्स वाले पॉलिटिशियंस या बहुत पहुंचे हुए लोगों के घर में रेड करते हैं। बट क्या कभी आप लोगों के माइंड में ये सवाल आया कि रेड के दौरान जितने भी सामान पुलिस वाले या इनकम टैक्स द्वारा जब्त किया जाता है, आखिर उन सामान का होता क्या है? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ईडी को कभी भी अगर किसी पर्सन पे शक होता है तो वो उसके खिलाफ अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक सर्च कंडक्ट करता है। इस सर्च को रेड कहते हैं। इस सर्च के दौरान कोई भी अनवांटेड सामान जैसे कि ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश, गोल्ड या कुछ भी ऐसी चीजें अगर बरामद होती है तो ईडी इमीडिएटली उन सारी चीजों को जब्त कर लेता है। ईडी बैंक ऑफिशियल्स के सामने उन सारे सामान की एक लिस्ट बनाता है। आफ्टर मेकिंग दैट लिस्ट, इंडिपेंडेंट विटनेसेस के सामने उन सारे सामान को बॉक्स में पैक करके सील किया जाता है। व्हाटएवर इज सीज्ड, वो सारी चीजें एसबीआई अकाउंट में जमा हो जाती हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन चलती है एंड अगर आप बेकसूर प्रूफ हो जाते हैं देन वो सारी चीजें आपको वापस कर दी जाती हैं। नाउ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, मान लीजिए रेड के दौरान आपके घर से गोल्ड या कैश बरामद हुआ, वो सारी चीजें तो एसबीआई अकाउंट में सबमिट हो जाएंगी। बट सपोज आपके घर से ह्यूज अमाउंट ऑफ ड्रग्स बरामद होते हैं, इन दैट केस एसबीआई अकाउंट में ड्रग्स तो जमा होंगे नहीं, तो इस केस में ईडी क्या करेगी? 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन पास की थी जिसके तहत रेड के दौरान ईडी को अगर किसी के भी पास से ड्रग्स जैसी कोई भी चीज बरामद होती है देन इन दैट केस इमीडिएटली उन सारे सब्सटेंस को ईडी को वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय करना होगा। ऐसा इसलिए ताकि जब्त की हुई उन सारी चीजों का मिसयूज ना हो। हाउएवर कुछ साल पहले इसी चीज से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस सामने आया था। मथुरा में पुलिस द्वारा 500 केजीज ड्रग्स बरामद हुए थे। जब्त करने के बाद वो 500 किलो के ड्रग्स पुलिस स्टेशन ले जाए गए, बट अचानक कुछ दिन बाद वो सारे के सारे ड्रग्स पुलिस स्टेशन से गायब हो गए। जब पुलिस वालों से पूछा गया तो उनका ये कहना था कि 500 किलो ड्रग्स चूहे खा गए। कैन यू इमेजिन, 500 किलो ड्रग्स चूहे खा गए। वेल, सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी गाइडलाइंस इस मामले में बहुत क्लियरली मेंशन की थी, बट अगर अब पुलिस वाले ही ऐसी हरकतों पर उतर आएं और इल्जाम बेचारे चूहों पर देंगे तो भला नॉर्मल इंसान से क्या ही उम्मीद की जाए।